तो गाइस जैसा कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं, क्रॉम्पटन का एक आदेश पिक का मोटर है जो इसका मॉडल है मिनी मास्टर। दोस्तों इसमें दो मॉडल आता है, एक के स्लॉट के खांचे थोड़े छोटे होते हैं, एक के बड़े होते हैं। तो गाइस कुछ समय इस प्रकार का मोटर हमें देखने को मिलता है। दोस्तों ये मिनी मास्टर का आदेश पिक का मोटर है, इसकी स्लॉट आप देख सकते हैं, स्लॉट इसके खांचे जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कुछ होते हैं स्लॉट जिसके छोटे होते हैं। छोटे वाले में अलग हीटर रहता है लेकिन बड़े वाले में अलग। तो आज की इस वीडियो में इसका मैं एल्युमिनियम वाइंडिंग डेटा आपको बताऊंगा। अगर आपको इसका कॉपर का वाइंडिंग डेटा जानना है तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो बात करें कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इस स्लॉट देख सकते हैं, स्लॉट जो हमारे 24 स्लॉट है और PVC पेपर हमने 7 नंबर इसमें यूज़ किया है, यानी इसमें जो पेपर लगा है एफ क्लास का पेपर हमने लगा दिया है। तो इसमें एल्युमिनियम वाइंडिंग करने वाले हैं। RPM बात करें 2800 RPM रहेगा। कैपेसिटर की बात करें तो इसमें 10 MFD इसमें कैपेसिटर लगेगा। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी स्टम्पिंग साइज आपको दिखा देते हैं कि इसकी स्टम्पिंग साइज कितनी है और इनर डाया आउटर डाया कितना है, उसके बाद आपको इसका नाप कॉइल नाप लेकर दिखाएंगे। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा मोटर है, इसकी स्टम्पिंग हम साइज नाप लेंगे तो इसकी स्टम्पिंग जो हमारा है ये 2 इंचेस इसकी स्टम्पिंग है। अब इनर डाया की नापेंगे तो लगभग हमारा 2.25 इंचेस इनर डाया है और आउटर डाया हमारा जो है वो 4 इंचेस हमारा इसका आउटर डाया है। अब दोस्तों इसका हम कॉइल नाप निकालेंगे, तो कॉइल नाप आपको कुछ इस तरह से निकालना है, 4 स्लॉट आपको छोड़ देने हैं, यानी इसकी जो कॉइल पिच रनिंग की रहेगी 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। तो चलिए अब आपको फटाफट इसका कॉइल नाप लेकर दिखा देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि हमने जो नाप निकाला है क्वायर से नाप निकाला है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 स्लॉट हमने छोड़ दिए, यानी 1 से 6 हमारा इसका कॉइल पिच बनेगा। और इस देख सकते हैं ये जो हमारा वायर है ये नीचे की तरफ इस तरह से आया हुआ है। दूसरी तरफ हम आपको दिखा दें कि दूसरी तरफ जो हमारा वायर है ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको फर्मे पे लगा के कॉइल बना लेते हैं और कॉइल आपको दिखाते हैं, फिर आपको वाइंडिंग डेटा हम बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने 4 कॉइलों का सेट बनाया है, एल्युमिनियम वायर है, एल्युमिनियम हमने ये यूज किया है, ये 24 नंबर वायर हमने यूज किया है, 24 नंबर वायर से इसकी वाइंडिंग हो रही है। पहले में हमारा 80, 82, 84 और 86 टन ये हमारा रनिंग का है। अब इसको फटाफट हम बैठा लेते हैं दोनों को रनिंग, फिर आपको स्टार्टिंग का डेटा बताते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं हमने रनिंग की वाइंडिंग कम्प्लीटली वाइंडिंग कर लिया है, आपको कितने अच्छे तरीके से हमने वाइंडिंग किया है। तो रनिंग का तो हमने आपको डेटा बताया था, अभी स्टार्टिंग का डेटा बताएंगे आपको। तो स्टार्टिंग में हमने ये 2 कॉइल्स बनाए हैं और इसकी जो कॉइल पिच रहेगी 1 से 10, 1 से 12, ये हमने 26 नंबर एल्युमिनियम वायर से बनाया है, 130 और 135 टन हमने बनाया, 130 और 135 टन। तो फाइनल दोस्तों इसकी वाइंडिंग हो गई है और इसमें देखते कितने अच्छी तरीके से फिनिशिंग हुई है। तो ये था क्रॉम्पटन का मिनी मास्टर का आदेश पिक का मोटर जिसका हमने एल्युमिनियम का आपको वाइंडिंग डेटा बताया है। इसका अगर आपको कॉपर का वाइंडिंग डेटा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ, मोटर से संबंधित, फराटा से संबंधित और सेलिंग फैन से संबंधित और वीडियो लाता रहता हूं। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।